गजा से एक कैदी इसराइली कैदी है कि इसराइली खातून जब उन्होंने रहाई पाई और उसके बाद इसराइल के टीवी चैनल के ऊपर उनका ये इंटरव्यू जिसके बाद इसराइली मीडिया का तो मुंह काला हुआ ही हुआ क्योंकि इसराइली मीडिया जो कुछ बताता आ रहा था इसराइली हुकूमत का नेतन का और उन तमाम मुनाफिक का उन तमाम कुफार का जो इस्लाम के ऊपर बड़ी बात करते थे उन तमाम तर लोगों का मुंह काला हुआ है मैं आपको क्योंकि ये जुबान इब्रानी जुबान आप में से बहुत सारे लोग समेत मेरे हम समझ नहीं पाते ट्रांसलेटर ने बाकायदा तौर पर ट्रांसलेट करके कुछ उसके अहम नुकते जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ ये खातून है मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ वो कहती है गजा की पट्टी से रिहाई पाने वाली खातून की एक इसराइली कैदी ने ब्रिगेड के अपने महाफजों के साथ अच्छे सलूक की तारीफ करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वो लोग इसे और इसके तीन बच्चों को इसराइली बमबारी से बचाने के लिए अपनी जाने तक कुर्बान करने के लिए तैयार थे वो बताती है साथ इंटरव्यू में कि उसके बच्चों को ड्राइंग करना बहुत पसंद था दो बच्चे भी उसके साथ कैद में थे और वो उनको बाकायदा तौर पर उन बच्चों को ड्राइंग के मटेरियल प्रोवाइड करते थे कलरिंग बुक्स प्रोवाइड करते थे कलर्स प्रोवाइड करते थे अच्छा इसके साथ वो ये भी कह रही है वो खेलते और ड्रॉइंग करते थे यहाँ तक कि हमारे मुहाफिज ने इन्हें बच्चों की ताश के खेल के कुछ खेल भी सिखाए साथ ही वो कह रही है कि वो जब भी उन्होंने हमें कुछ टच करना हो बचाना हो बम्बारी वगैरह से तो वो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनते थे तो उस जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि ग्लव्स क्यों तो उसका जवाब था वो ख्वातन की इज्जत करते हैं इनके नज़दीक औरतें मुकदस हैं और इन्हें छूना जायज नहीं है इनके नजदीक औरतें मलका हैं एक जानेब इसराइली जो आप कह रहे हैं उनके जो रिलीज स्कॉलर्स हैं उनके बयान के फ़लस्तन की खातन का रेप करना भी बिल्कुल जायज़ है जंग में उस पर भी कोई मजाक नहीं है और एक जानब जो कैद से रिहाई पाकर खातन आई है उनके तासर उनके जज्बात उनकी इमोशंस उनकी जो मेमोरीज हैं कि किस तरीके से उन उनके साथ मुजाहिदीन ने बिहेव किया आपको याद है अफगानिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था अफगान तालिबान की कस्टडी में भी इसी तरह एक बरतानवी सहाफी थी और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर उनके ऊपर अपने मुल्क के अंदर बड़ी पाबंदियां बड़ा कुछ सामने आया था लेकिन उन्होंने इस तमाम तर चीज से इंप्रेस होकर इस्लाम कबूल कर लिया था तो जो लोग ये तमाम तालिबान के ऊपर जो लोग राइट विंग वाले सोच के लोगों के ऊपर जो लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जिस तरह अलकसाम मुजाहिदीन के ऊपर जिन लोगों की जरा से भी ये सोच है ना कि एक्सट्रीमिज्म या ये दहशत गर्दाना रवैया है उनकी इस सोच को लानत है उनकी सोच पर ये तमाम चीजें तमाचा है एक बहुत बड़ा तालिबान के अंदर उसी तरह मुजाहिदीन के अंदर आप गुड कॉप बैड कॉप वाली चीज को बेशक कर सकते हैं उसकी बात आप कर सकते हैं लेकिन जिस फिलासफी के ऊपर ये चलते हैं जिस तरीके से अलकसान ब्रिगेड के अंदर वो कहते हैं कि हमारे ब्रिगेड के अंदर जो मुजाहिदीन हमारे फ्रंट फ्रुट पर लड़ रहे हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो नमाज को कजा भी करे इवन और एक भी ऐसा नहीं है जो हाफज कुरान ना हो तो इसके बाद जब कोई कहता है ना कि ये दहशत गर्दाना रवैया है ये इस्लाम की सरबलंदी का के लिए ये सब कुछ है ये इस्लाम की सरबलंदी चाहते हैं ये लोग ये लोग और कुछ भी नहीं चाहते यही कुछ अफवान तालिबान के साथ हुआ उसके बाद जो कुछ हमने देखा पूरी दुनिया के अंदर रिएक्शन वो हमारे सामने है तो अगर इसी तरह से आप आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे ना अलकस्तम की भी तो आपके साथ जो होगा वो आप समझ जाएंगे और ये इसराइल को भी समझ नहीं आ रहा इसी तरह अगर आप यमन की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो बाकी ममालिक के साथ क्या होगा वो भी आप समझ जाएंगे तो ये जो आ, ये जो तरीकाकार चल चल पड़ा है ना ये इसराइल और अमेरिका जैसे घुंडे ममालिक जो बेसिकली दहशत गर्द ये खुद है सबसे बड़े जो उन्होंने तरीका एक रविश शुरू कर रखी है ना कि इस तरीके से हम छोटे ममालिक को शायद कंट्रोल कर लेंगे शायद इस तरीके से इस्लाम मजहब को हम कंट्रोल कर लेंगे ये इनका ख्वाब बिल्कुल इधर का इधर ही रह जाएगा इस्लाम जो है वो हमेशा रहने के लिए है इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसने हमेशा रहना है और ये वो रवैये अलकसाम मुजाहिदीन के जो इंप्रेस कर रहे हैं उन खावन को और वो जाकर अपने कंट्री के अंदर अपने मुल्क के अंदर इस किस्म के बयान दे रही हैं ये वो तमाम तर चीजें अच्छा इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो दिखा दूँ वीडियो का एक चंग थोड़ा सा दिखा दूँ גדל, כאילו יהיה אמרתי לנהג, אמרתי לו, כאילו אותנו רק, ביחד. בטח, בטח. נשארנו ביחד, באופן מפתיע. अब किस मुँह से बैन मीडिया और किस मुँह से सी एन एन और बीबीसी अमरीका के जो बच्चे चैनल है वो किस मुंह से कहेंगे की ये दहशत गर्दाना रवैया और हमास ये कर रहा है हमास औरतों को मार रहा है हमास बच्चों को मार रहा है इससे कबल भी तमाम चीजें झूठी साबित हो चुकी है और यही नाजरीन यही वो सबसे बड़ी वजह है कि लंदन में इस टाइम लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट मानी जाती है सबसे ज्यादा मशहूर भी है उनके लिए और हर वक्त उस पर चहल पहल होती है जैसे जैसे हमारे यहाँ लाहौर की कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जो कभी हमेशा कहते हैं ना लाहौर जागता है उसी तरह वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कुछ ऐसी जगह और क्रिसमस करीब है वहां पर बाकायदा एहतजाज हो रहे हैं बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं और लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि शॉपिंग नहीं करेंगे हम हम क्रिसमस इस साल सेलिब्रेट नहीं करेंगे कुफार मतलब ये वो लोग हैं जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है ये तमाम तर वो लोग हैं तो मैं ये नहीं बता रही हूं आपको कि मुसलमान वहां पर एहत कर रहे हैं वहां पर वो लोग जो नॉन जिनका इस्लाम से कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन वो इंसानियत की बिना पर एहतजाज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गजा के अंदर कातिलाना किस्म की जो एक बरबरीत है वो रुक जाएगी रुकनी चाहिए उसके बाद हम क्रिसमस की बात करेंगे हम क्रिसमस नहीं मनाएंगे और जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं उनको बाकायदा तौर वो समझा भी रहे हैं कि आप शॉप नहीं करें आप यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं वहां पर लोग मर रहे हैं तो ये हालत हो चुकी हुई है और यही वो यही वो वजूहत थी फिर न्यू ईयर भी आ रहा है जो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है तमाम तर ममालिक में अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में भी तो ये कुछ रीजंस थे न्यू ईयर और क्रिसमस जिसकी वजह से अमेरिका बार बार अमरीका के अलावा कुछ ममालिक बार बार जो है वार्ड कर रहे थे इसराइल को कि जल्द अज जल्द जो है वो इस जंग को खत्म करें ताकि इस इन दो मामलात इन दो बड़े इवेंट्स से पहले मामला जो है वो वाइंड अप हो चुके हुए हो लेकिन इसराइल की बस में कुछ नहीं है इसराइल की बस में कुछ भी नहीं है यहां पर मैंने आपको कुछ बहुत जबरदस्त अच्छा दुआ भी करें जबालिया कैंप के अंदर जो इतलात आ रही है क्योंकि कोई कंफर्म रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही है लेकिन जबालिया कैंप के अंदर बताया जा रहा है कि बहुत सख्त तरीन झड़पें इस वक्त जारी हैं दुआ करें कि अगले वीलॉग में आपको ये कि जबालिया कैंप के अंदर जो झड़पें जारी थी उसमें भारी नुकसान का सामना इसराइल को हुआ है और मुजाहिदीन ठीक ठाक तरीके से उनको नुकसान पहुंचा के खुद खैरौफियत से अल्लाह करें यह आपने दुआ करनी है अच्छा ये एक कार्रवाई हुई है अब से 18 घंटे पहले कबल और चार फौजी जीपों को बारूदी मवाद से उड़ाया गया है जिसमें आठ फौजियों की हलाकत का जो है वो पता चला है और इनकी पिक्चर्स भी इन फौजियों की ये वो चार मरदूद हैं जिनकी पिक्चर्स सामने आई है बाकियों की पिक्चर्स नहीं आई और जिस जीप को उड़ाया गया है वो जीप खून से अलहमदुल्ला लत है उसको देख दिल खुश हो जाता है ये ये इकट्ठी सारे आठ ही आठ लोगों की तस्वीर है ये आठ फौजी जहनुम वास्ते लोग अपने बाकी साथियों के पास पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ पर ये जीप भी मैं आपको दिखाती हूँ लेकिन वो जीप खून से इतनी लत पड़ता है खुदा जाने हमें दिखाना उसको ठीक होगा या नहीं अच्छा हमास के रहनुमा का मैं बयान आपके साथ शेयर करती चलू ताजा तरीन बयान है हमास के रहनमा और हमदान की जानब से और वो कह रहे हैं कि इक्कीस से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं हमारे पचपन हजार से ज्यादा लोग हमारे जख्मी हुए हैं लेकिन वो साथ ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों ने साबित कर दिया है कि वो हथियार डालना और शकस्त खाना नहीं जानते दुश्मन अपने मकसद हासिल करने में नाकाम हुआ है ये उसमा हमदानी का ताजा तरीन बयान है लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो सुनिएगा वो कह रहे हैं कैदियों के हवाले से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक के जारियत बंद ना हो और अब किसी किस्म की जंगबंदी पर बात नहीं होगी अब सिर्फ और सिर्फ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी और इसराइली काबिज फौज के इन पर बात होगी हम गजा में जंग का दाराकार वसी नहीं करना चाहते लेकिन हम अपने मफदात का दिफा करेंगे यानी मकसद यह है कि गजा हमारी सरजमीन है हमारे हवाले करो और यहाँ से दफा हो जाओ निकल जाओ हम सिर्फ ये चाहते हैं और इन मफादात का हम दिफा करेंगे ये बिल्कुल दो टोक बात की है और उनकी बात से झलक आया कि वो हार मानने को तो तैयार है ही नहीं बल्कि हार अगली साइड गई है और ये भी झलक रहा है उनकी बात से कि वो कोई दंगा फसाद मजीद नहीं चाहते वो लेकिन अपनी सरजमीन को प्रोटेक्ट करेंगे जब आपकी जमीन के ऊपर कोई कब्जा कर लेगा जब आपके मुल्क के ऊपर मुल कोई और आके कब्जा करेगा जब आपकी मस्जिद अक्सा की कोई बेहरमती करेगा वो मस्जिद अक्सा जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां नमाज पढ़ने का कितना ज्यादा कितना गुना सवाब है बाकी किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने से तो जब ये सब चीजें होंगी तो उसके बाद आप कैसे यकीन कर सकते हैं या कैसे सोच भी सकता है इसराइल की गजा के लोग चुप रहेंगे ये बहुत बड़ा पैगाम है इस बारी जो ये जंग हुई है इससे बहुत बड़ा पैगाम मिला इसराइल को अमरीका को भी अभी भी अगर ये समझ जाए तो इनके लिए बेहतरी है लेकिन यह समझेंगे नहीं शायद तो उसको और अच्छी सी अच्छी खबरें जो अगले वीडियो में आपके साथ जवालिया के, के लिए खसूस दुआ करनी है जो तफीरत आएंगी उनसे आपको आगह करेंगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें कॉन्टेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें बहुत ख्याल रखें